हौजरी की एक छोटी सी फैक्ट्री थी। 6 फीट बाई 8 फीट का एक रूम था और 6 फीट बाई 8 फीट का दूसरा रूम। आई वेंट विद द ब्रीदिंग एपरेटस सेट और मुझे अच्छे से याद है मैं वहाँ घूम के पैरों से हाथ से टच करके सब कुछ आया। मैंने कहा सिर्फ जो है इसमें सामान ही है। हमने और पंपिंग किया और उसको कूल डाउन किया। जब दोबारा घुसे तो आई सॉ द 12 डेड बॉडीज एंड दे वर बियॉन्ड रिकॉग्निशन। पहले को हाथ लगाया तो उसका हाथ जो है मेरे हाथ में आ गया। आई केम आउट एंड आई फेल्ट लाइक वोमिटिंग। मेरा नाम नगेंद्र सिंह है। दिल्ली फायर सर्विस में मैं कार्य कर रहा हूँ। 13-14 साल की सर्विस के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि फायर्स भी शायद फिंगरप्रिंट्स की तरह हैं, कि हर फायर दूसरी फायर से एंटायरली डिफरेंट होती है, चाहे वो सेम मटेरियल में लगी हो। मैं सुबह लगभग 4:30-5 बजे उठ के सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ। Then I used to go for run. मुझे लगता है कि जो फिजिकली फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। फायर कॉल जब भी कॉलर है वो या तो 100 नंबर पे कॉल करेगा या 101 पे कॉल करेगा। जैसे ही कॉल आपका उसने रिसीव किया वो वहीं से कंट्रोल रूम को बता देता है और जैसे ही सायरन बजा सभी अपना कवरऑल डालते हैं। अब आपने जो है उस लोकेलिटी की तरफ मूव करना है और फिर जो है आप रैपिड फायर ड्राइव करते हैं। फायर इंजन तो फास्ट निकलता ही है। एवरी फायर आपको एक सिचुएशन पैनिक तो क्रिएट करती है। रोड विड्थ नहीं है आपके पास तो फायर इंजन का एक्सेस नहीं है। कंजेशन बहुत ज्यादा है। अभी भी लेंटर्स नहीं है, मतलब वो जो है वो एक गाटर टुकड़ी वगैरह की छत होती है तो उसी में जो है वो एकदम फेल डाउन करना शुरू होगी। हीट से वो बेंड हो जाएगी, ऐसा होने लगता है कि यार ये अब गिरेगी छत। आप सीन पे पहुंचे, आपको लोग चारों तरफ से चिपटते हैं, मेरे यहाँ आग लग गई है और तुम लेट आए हो और तुम 1-1.5 घंटे लेट आए हो, इस तरीके से बोलते हैं। जबकि फायर इंजन विद इन अ मिनट जो है फायर स्टेशन से टर्न आउट कर जाता है। जिसके घर में आग लगी है वो आपको ऐसे वेट करता है कि जैसे पता नहीं बस अभी आ जाए। हम वहां जाकर के पहले ये देखते हैं कि फायर एक्चुअली है कितनी और कितने ज्यादा एरिया में फायर लगी हुई है। ये देखते हैं कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं क्या मैं इससे इस आग को बुझा पाऊंगा। यदि नहीं है तो इमीडिएटली बैकअप के लिए मैसेज दे दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है एक्स्ट्रा व्हीकल्स हम डिमांड करते हैं। जब भी आप किसी फायर की बिल्डिंग को देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक दैट कम्स आउट। इनिशियली फ्लेम तो नजर आएगी ही नहीं, उसमें से जो है स्मोक निकल रहा होता है। जैसे ही आप उसमें एंटर करते हैं आपका जो है गला वो चौक होना शुरू हो जाएगा, आंखों से आपके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, इवन आपके नोज वगैरह से भी डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं। तो जो है उस समय नीचे बैठ जाइए। तो नीचे इसलिए बैठना पड़ता है कि इवन बाई फीट में आपका टेम्परेचर में वेरी बाई 10 डिग्री, 50 डिग्री, इवन बाई 100 डिग्रीज। तो एक सांस भी यदि आप उस हीटेड स्मोक का ले लें तो दैट कैन मेल्ट इवन योर लंग्स। लेकिन रिस्क तो रहेगा ही। हर नगेंद्र सिंह इज माय एसेट, इज ए काइंड ऑफ फायर फाइटर। से व्हेन ही रिस्पॉन्ड्स टू ए फायर एक्सीडेंट देन आई गेट रिलैक्स्ड। ही हिमसेल्फ इज ए गुड फायर फाइटर एंड आल्सो ही हैज कैपेबिलिटी टू लीड ए टीम। He will get into the building first, he'll do the recce, come out and then commit persons. He will take decisions after he makes his own assessment. So he is an asset to my department for the firefighting profession. When he
when I compare the firefighting operations in my own country and elsewhere in the world, it differs a lot. There what they say, if life is not involved in fire, I am not going to take any risk. Whatever damages are there, you claim from your insurance company. I cannot let my person die for saving your property. But here in every fire, whether life is involved in fire or not, but you have to take decision and get into that area. ऐसी कोई भी फायर जब हम अटेंड करते हैं जिसमें हमारे को फायर फाइटर्स चले जाते हैं और उनकी बॉडीज भी या तो निकाल के हम भिजवा देते हैं एंड स्टिल यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग द फायर, आपका उस वक्त मन नहीं होता, यू आर हाफ हार्टेडली आप फायर फाइटिंग करते हैं, एट द बैक ऑफ योर माइंड ये चलता रहता है कि यार उसको क्या हुआ है, अभी उसकी क्या पोजीशन है। वाइफ के जो फादर थे, he was also in fire service. He lost his life in कीर्ति नगर। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। उस टाइम पे तो मतलब कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मतलब फर्स्ट इंसिडेंट था मेरी लाइफ में कि मेरे जो इतने करीब थे वो मतलब इस तरीके से चले गए। और उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस घर में शादी करके जाऊंगी, मतलब जो मेरे हस्बैंड होंगे वो सेम उसमें होंगे। लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, अच्छे से एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो जो डर था मतलब पापा के जाने के बाद का, वो अभी तक है मेरे अंदर। मतलब जब भी कुछ होता है या कॉल पे ये जाते हैं तो वो मुझे वो याद आता है, वो फीलिंग्स मेरे अंदर रहती हैं, वो डर मेरे अंदर रहता है। जब भी मुझे मौका मिलता है आई यूज टू रीड भगवद गीता एंड मुझे लगता है कि दैट इज द बेस्ट मोटिवेटिंग बुक। फायर फाइटिंग बहुत कुछ निर्भर करती है मोटिवेशन पे। आपकी टीम मोटिवेटेड है वो काम कर लेगी, टीम मोटिवेटेड नहीं है वो काम नहीं कर पाएगी। अगर आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं और फायर फाइटिंग के दौरान आपको फैमिली याद आ गई, यू विल नॉट बी एबल टू फाइट द फायर, तो उस समय सिर्फ आपको काम की सोचनी है, उस समय सिर्फ आपको वहीं रहना है। यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर ओनली मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, तब आप जो है उस फायर को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो मैंने जो सबॉर्डिनेट्स को ट्रेनिंग दिया है तो वो बोलते हैं सर बहुत जल्लाद टाइप से आपने जो है हमें ट्रेनिंग कराई है। लेकिन उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि फिर उसके बाद वो किसी भी एनवायरनमेंट में काम करेगा तो उसको ये नहीं रहेगा कि जो है भाई मेरे को कुछ कमी महसूस हो रही है। आप जब किसी का जीवन बचाते हैं, चाहे वो जीवन हो चाहे उसकी प्रॉपर्टी हो, जब आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं ना, इट गिव्स यू इमेंस सेटिस्फेक्शन। लेकिन जब आप आग बुझा के निकलते हैं वो पब्लिक में, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी है चाहे वो एक छोटा सा घर बना करके कैसे जैसे तैसे जिंदगी का गुजारा करता है, वर्ड वो एक ही बोलते हैं, सर थैंक यू आपने बहुत अच्छा काम किया, सर आपने मेरा इतना तो बचा लिया। वो सेटिस्फेक्शन शायद एक हाई पेड सैलरी में शायद नहीं मिलेगा, वहां पे आप अपने तक सीमित रहते हैं, यहां आप देश से कनेक्टेड हैं।